अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल फैशन एक्सप्रेस। और मैं आज आपको अपनी ईद की शॉपिंग दिखाऊंगी जो मैंने की थी। लास्ट टाइम मैंने ज्वेलरी आपको दिखाई थी, वो नीचे उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल दूंगी, आप देख सकते हैं। ये मैंने कुछ लिए थी चीज़ें ईद के लिए जो मैं आपको दिखा रही हूँ। ये हैं जूड़ा पिंस। अब गर्मी इतनी ज़्यादा है कि बाल खुले रखने का दिल नहीं होता, तो ये 100 रुपीज़ में मुझे मिल गई थी। ये जूड़ा पिंस है, इसमें बहुत सारी पिंस दी हुई हैं। 3 साइज़ की इसमें पिंस आपको मिल जाती हैं, 40 पीसेज हैं इसके अंदर। और ये जूड़ा बनाने में बहुत कंफर्टेबली, आपको यूज़ करने में कंफर्टेबल होती हैं, ये आप देख सकते हैं। ये इसकी टिप जो है वो किस तरह से है, क्योंकि ये बॉब पिंस होती हैं, ज़्यादा अच्छी रहती हैं, आपको चुभती नहीं है लगाने में। और नेक्स्ट जो मेरे पास ये चीज़ है, ये एक नेट होती है जो आप जूड़े के ऊपर अच्छे से चढ़ाकर फिक्स कर सकते हैं, जिससे आपका जूड़ा नीट एंड क्लीन नज़र आता है। तो आप कोई भी हेयर स्टाइल बनाना चाहते हैं जूड़े को लेकर या किसी अलग तरीके से, तो उसमें ये यूज़ होती है, आपको पता ही होगा। तो ये मुझे 50 रुपीज़ की मिली थी, तो मैंने ये भी ले ली थी अपने हेयर स्टाइलिंग के लिए। ईज़िली आपको मार्केट में अवेलेबल होती है। उसके बाद मुझे ये कुछ की चेन्स अच्छे लगे थे जो मैंने लिए थे। ये हार्ट शेप में है, काफ़ी हेवी है ये, और इस पर वाइट कलर के स्टोन लगे हुए हैं। ये मुझे 95 रुपीज़ में मिला था। इसी का ये दूसरा डिज़ाइन, ये एफिल टावर है, और इसके ऊपर भी वाइट कलर के स्टोन लगे हुए हैं, बहुत ही खूबसूरत और है, और ये ड्यूरेबल भी हैं। ये भी मुझे 50 रुपीज़ में ही मिल गया था, और सॉरी 95 रुपीज़ में। उसके बाद ये मैंने लिया था मिनीसो से कुछ टाइम पहले, तो ये भी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये रिंग ब्रेकेट है जो आप मोबाइल फ़ोन के पीछे लगाते हैं इसे, तो ये पिंक पैंथर में था, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा था। इसमें 2 डिफरेंट कलर्स थे अवेलेबल थे, तो मैंने ये ले लिया। ये आप देख सकते हैं ऊपर पिंक पैंथर बना हुआ है। और मिनीसो, जैसे कि आपको मालूम है, एक जापान का ब्रांड है ये, जिसकी आउटलेट सारी मुल्कों में हैं, तो पाकिस्तान में भी हैं। ये मैंने रिवाज यूके की कॉम ली थी। ये टेंगल्स के लिए बहुत अच्छी रहती है, आपके बाल अगर कर्ली हैं या फिर थिक हैं, जो मुश्किल हो जाता है आपको सुलझाना, तो उसके लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। रिवाज यूके का ब्रांड है, आपको मालूम है रिवाज यूके की कितनी सारी हमें प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं मार्केट में, और एक अच्छा ब्रांड है। उसके अलावा मुझे मैं लिए थे ये डिफरेंट कलर्स में कैचर। ये बच्चों के ही लगाने के नहीं होते हैं, आप इससे बहुत सारे स्टाइल्स क्रिएट कर सकते हैं, आप हेयर डू कर सकते हैं इसके साथ। 30 रुपीज़ में मुझे डिफरेंट कलर के कैचर्स मिल गए थे, तो मैंने ये भी ले लिए थे। ये है वो कैचर, बिल्कुल भी हार्श नहीं है जैसे कि नॉर्मली होते हैं, तो ये मैंने ले लिए थे ताकि मैं अपना ईद पर अपने हेयर स्टाइलिंग कर सकूं, तो उसके लिए मैंने ये पैक ले लिया था जिसमें काफ़ी सारे मुझे 30 रुपीज़ में मिल गए थे। उसके बाद ये मैंने एक और लिया था, इसके ऊपर भी आप देख सकते हैं एफिल टावर ही बना हुआ है, जो कि बहुत अच्छा लग रहा है। और ये मैंने इसलिए लिया था कि आप अगर बैग्स कैरी करते हैं तो उसमें हमारे कुछ कार्ड्स होते हैं, या NIC होता है, या फिर हम पैसे रखते हैं तो इधर उधर हो जाते हैं और बहुत मेसी हो जाता है। और आजकल तो वैसे ही हमें SOPs की वजह से ध्यान रखना है हर चीज़ का, तो उसकी वजह से ये अच्छा रहता है। ये इसमें बहुत ही कम्फर्टेबली ये ओपन हो जाता है, इसमें जो क्लिप दिया हुआ है ये अभी तक मैंने यूज़ नहीं किया, जैसे कि आप देख ही रहे हैं। तो यहाँ पर कार्ड वगैरह डालने के लिए, या आपको अपनी पिक्चर डालनी है, तो अलग अलग आपको यहाँ पर कंपार्टमेंट मिल रहे हैं, तो इन कंपार्टमेंट के साथ आप बहुत ही इजीली इसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आप अपने पैसे रख सकते हैं इजीली, और इसे फिर इस तरह से पैक करके आप बंद करके अपने बैग में डाल दीजिए, और ये खुलेगा नहीं। तो ये बहुत ही खूबसूरत मुझे लगा था, ये
इस तरीके से। इसका कलर बहुत प्यारा है, ये टी पिंक कलर है। टी पिंक कलर मुझे बहुत अच्छा लगता है कुछ चीज़ों में। उसके अलावा मैंने एक और वहाँ पर से ये लिया था, ये कार्टून कैरेक्टर्स इसके ऊपर बने हुए हैं, तो इसमें भी आप अपने पैसे वगैरह आराम से कैरी कर सकते हैं। ये थोड़ा सा फंकी सा भी है, आप यूज़ कर सकते हैं अपने हैंड बैग के मुताबिक। अगर आपका हैंड बैग थोड़ा डल कलर में है तो आप वो यूज़ कर लें, वरना इस तरह का कोई यूज़ कर सकते हैं। ये देखें, इसमें भी बहुत सारे कंपार्टमेंट दिए हुए हैं। ये यहाँ पर ये दोनों साइड पर छोटे छोटे से कंपार्टमेंट हैं, बीच में एक जिप के साथ है। उसके साथ ही इसका ये कैरी करने के लिए इजीली इसको हम अंदर किसी के साथ अटैच भी कर सकते हैं ताकि ये यहाँ वहाँ हो। उसके बाद ये एक ब्रेसलेट था, तो मैंने ये एक ब्रेसलेट ले लिया था। इसमें आपको अलग अलग अल्फ़ाबेट्स मिल जाते हैं, तो ये भी चीप प्राइस में ही मिल गया था मुझे 100 रुपीज़ में। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने आपके साथ शेयर की, जो मैंने ईद पर ख़रीदी थी। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगी। आप कोई भी सवाल पूछना चाहें या कोई मशवरा मुझे देना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, और बाकी वीडियोस के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। मेरी वीडियो पसंद आने पर आप इसे शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा चैनल को। टिल देन माई नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।